गया। नहीं नहीं बाहर आ रहा, बाहर आ रहा, बाहर आ रहा। तो मैं हसीब भाई के घर पहुंच चुका हूँ। अंदर बैठे जो है ना वो नेट यूज़ कर रहे थे। अभी ये हसीब भाई का कमरा है, तो वो आ गए हैं और अभी हम निकल रहे हैं जी खेतों में, ज़रा ठंडी हवा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जी तो भाइयों, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो वो पीछे जो आपको घर नज़र आ रहे हैं वो मेरा गाँव है। तो गाँव से मैं बाहर निकला हुआ था, मैं हसीब भाई के साथ हूँ। जुमे का दिन था आज, जुमे पर के आए हैं, असर का वक्त था। अरबाज भाई, शफाकत भाई और शफाकत भाई का बेटा एक अरहम, उन्होंने कसूर जाना था। मुझे कहते कि चलो साथ चलें, कुछ सामान वगैरह लेना है, उसके अलावा दो तीन और काम है। मैंने कहा आज दिल नहीं कर रहा कसूर जाने का, तो वो अकेले चले गए कसूर और मैं हसीब भाई के पास आया था। तो सोचा थोड़ा खेतों में चहलकदमी हो जाए, शाम का वक्त है तो साथ में थोड़ी वाक भी हो जाएगी। तो अभी खेतों में आए हैं, अभी जो है आगे चलते हैं। तो कर दे की पैन कटी काट दे पैन और भी करना बनने बन देना है तो अब बन बाज गया है इधर उधर का भी रोड के गई पानी बाज जाना मिट्टी उधर पूरी हो जाएगी अगर बन कई पेड़ बन जाएगा। ये अभी जो है ना लोगों ने फसल वगैरह लगा के इसको खेत में तब्दील कर दिया, गिर गया कर लिया। तो पहले ये ना साफ मैदान होता था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमने क्रिकेट खेली है, बहुत ज़्यादा बचपन में। अभी तो वक़्त ही नहीं मिलता खेलने का। ਤੀਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਮਸਾਲਾ ਲੈ ਜਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਂਟਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਲੀਟਰ 'ਚ। ਵੋ ਜੀ ਨਿਊਲਾ ਹੈ, ਖੇਤੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਦੇਖੇ, ਵੋ ਅੰਦਰ ਭਾਗ ਗਿਆ ਅਭੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਹੀਂ ਸਾਂਪ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਸੇ ਮੈਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵਕਤ। ਡਰ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो चूँकि गांव है, बहादुरपुरा गांव था, तो वहां से ना ब्रांडेड जो है ना अच्छी बोतल नहीं मिली, गोरमे वालों की बोतल ही मिली है। तो साथ में लेज ली हैं, तो अभी जो है खाते हैं यहां बैठ के। और व्यू भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, देखें। और ये जो है ना इन्होंने चारपाई रखी हुई इधर खेतों में, तो चलें। ये जी हर एक चीज़ का कबाड़ा कर दिया हमने। यहाँ से शुरू होती हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ जो हैं वो नीम के दरख्त हैं। यहाँ पे पंजाबी में इसको तरेक भी बोल देते हैं और उसके अलावा बकैन भी कह लेते हैं। और इनकी छाँव जो है ना वो बहुत ज़्यादा घनी होती है, आप देख सकते हैं कितनी घनी छाँव है, हत्ता कि सूरज बड़ी मुश्किल से नज़र आ रहा है। और फुल ग्रीनरी है, और इसके नीचे जो है चार पे उन्होंने रखी हुई है। व्यू बहुत अच्छा लगा था, तो यहाँ पे हम रुक गए, हमने कहा यहाँ पे बैठ के जो है ना हल्का फुल्का सा कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। ये तकरीबन ना कम अज़ कम भी 1970 या 65 का बना हुआ है, तकरीबन या 80 लगा लें चलो, ये तब का, उससे भी हो सकता है पुराना हो। और अभी जो है ना ख़राब है, नहीं नहीं अभी चलता है यार, वो देखें वो वायर जा रही है, ये
ये वायर जा रही है नीचे को, वो नीचे जा रही है, तो ये भी चलता होगा। आमतौर पर खेतों में जहाँ पर भी लोग मोटर वगैरह लगाते हैं वहाँ पर इस तरह से व्यू, इस तरह का कुछ व्यू बनाते हैं ताकि घनी छाँव में बैठा जा सके, और एक कमरा बनाते हैं जहाँ पर अपने स्प्रे का या जो भी खेतों में डालने के लिए अद्वियात होती हैं उनका जो स्टॉक होता है वो यहाँ पर रख लिया जाए। कभी कभी ये पुराना कमरा जो है वो भूत बंगला भी बन जाता है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे स्टॉक ही हो, कभी कभी यहाँ पे भूत बंगला भी होता है, तो यहाँ से कल्टी मारनी बनती है हमारी। अभी उन्होंने इतना अच्छा व्यू बनाया हुआ है तो यहाँ पे गंद मारना जो है ना वो मना लेते हैं, और इसको किसी कचरे में फेंक गई है। देखें पहले भी कोई आया हुआ है जिसने खा के यहाँ पे गंद मारा हुआ है। बांस का बांस के खेत हैं और वहाँ से जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो बड़ा सा बोर्ड है, उसके अलावा वो मोटर है, और वहाँ पे भी देख सकते हैं चारपाई पड़े हुए हैं। या ज़्यादातर किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी खेत में चले जाएं, ये व्यू आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा और बहुत ही ये खूबसूरत व्यू है। कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं और हसेब हैं, लेकिन यहाँ पर आने से कैमरे में नहीं आपको इतना दिख रहा होगा, लेकिन मुझे पता है कि कितना खौफ आ रहा है, कितना डर लग रहा है यहाँ पे खड़े हुए, क्योंकि दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो यहाँ से अभी चलते हैं यार, टाइम काफ़ी हो गया, तकरीबन शाम होने वाली है, और हमारा इलाका भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ख़तरनाक है। ये जी जुम्मे का दिन था तो सबको छुट्टी है, तो बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं इधर। इधर जो है वो ग्रुप आफ्ताब है। ये जी एलोवेरा का पौधा है, इसका जो है ना जूस बहुत मज़ेदार बनता है अगर बनाना चाहें तो। उधर से रास्ता काफ़ी ख़राब था तो यू टर्न लिया है, आगे देखते हैं इस साइड से ना एक रास्ता है जाने का, तो अगर वो साफ़ हुआ तो फिर उधर से चलते हैं।